लास्ट टाइम हमने मलेरिया स्टार्ट किया था और उसकी पैथोलॉजी की थी, ठीक है? तो आज हम उसकी जो है वो क्लास ऑफ ड्रग करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास है सिंकोना अल्कलॉइड्स। और सिंकोना अल्कलॉइड्स जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी केमिस्ट्री और SAR के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत इजी और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। तो इस वजह से आप इसको अच्छी तरह करिएगा, ताकि आप जो है पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। और मैंने जो स्लाइड्स बनाई है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई है, कि किस तरह से आपने उसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। अगर आप सेम इसी को फॉलो करेंगे तो आपके अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप स्ट्रक्चर में कोई अगर गड़बड़ नहीं करते तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के भी चांसेस हैं, यानी 20 out of 20। तो ये बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ना जरा अच्छी तरह कर लीजिएगा। तो सिंकोना अल्कलॉइड्स जो है ये इनका ओरिजिन जो है ये प्लांट ओरिजिन है। हमारी जितनी भी आजकल भी जितनी भी रिसर्च हो रही है वो प्लांट्स के ऊपर हो रही है, क्योंकि क्या है प्लांट्स जो है दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज सेफ एज कम्पेयर टू थेरापीटिक ड्रग्स। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि प्लांट सोर्स को प्रेफर करते हैं, ताकि जो है वो उसकी एफिकेसी जो है वो ज्यादा होती है और सेफ भी होता है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो सिंकोना जो है इसको बहुत एंशियंट टाइम से यूज किया जाता है, ठीक है? और यानी जैसे होता है ना एनेक्डोटल नोट्स की बेस पे, कि लोगों से सुन सुन के लोग, जैसे अगर किसी एक ने यूज किया तो उसको इसका इफेक्ट अच्छा आया, ठीक है, तो उसने आगे भी लोगों को रिकमेंड किया। तो इस तरह से भी इसको यूज किया जाता रहा, और उसके बाद जो है इसके ऊपर रिसर्च भी करी गई और इसके डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स निकले। उसमें से एक इफेक्ट है एंटी मलेरियल, ठीक है? तो आज हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि सिंकोना अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है? इसमें से कौन सी ड्रग हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि वैसे तो सिंकोना बार्क लोग यूज करते थे, ठीक है? हमने फिर उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें से एक कंपाउंड आइसोलेट किया। देखते हैं आगे कि वो कंपाउंड कौन सा है और किस तरह से उसको आइसोलेट किया गया और उसकी केमिस्ट्री क्या है और किस तरह से वो इफेक्ट करता है, ठीक है? तो सिंकोना जो है इसमें क्या है कि कौन सी चीज है, क्विनीन, ठीक है? तो क्विनीन जो है ये इसका थेराप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? और इसमें और भी बहुत से अल्कलाइड्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें से वन ऑफ देम इज मलेरिया, ठीक है? तो थेरेप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है दैट इज क्विनीन। और क्विनीन के साथ इसके और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि सेम इफेक्ट रखते हैं, वो हम उसके आगे स्ट्रक्चर में और उसके SAR में देखते हैं, ठीक है? सॉरी, ये स्लाइड कुछ लगता है स्टार्ट हो गई है उसको। ठीक है, उसके बाद है कि सिंकोना जो है इट कंटेन्स 30 अल्कलाइड्स एटलीस्ट, जिसमें से जो है उसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी है। और वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी किन चार चीजों की वजह से है, वो क्या क्या है? क्विनीन, ठीक है, क्यूनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन, ठीक है? इन सब को हम इसमें सिंकोना अल्कलाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सिंकोना के अंदर बेसिकली जो सिंकोना प्लांट है उसकी बार्क है या कोई भी उसका प्लांट पार्ट है, उसके अंदर क्या है, ये चार अल्कलाइड्स, 30 अल्कलाइड्स टोटल है, ठीक है? उसमें से जो चार अल्कलाइड्स हैं क्विनीन, क्यूनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन, ठीक है? तो ये क्या है, दे हैव थेरेप्यूटिक एक्टिविटी अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है? तो ये हम जो है इन सब को यूज करते हैं फॉर द मलेरिया। और ये सारे जो है ये एक दूसरे के रिलेटेड हैं, ठीक है? इनके स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। तो प्योर क्विनीन जो है या सिंकोनीन, उनको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था 1820 में, ठीक है? और ये साइंटिस्ट हैं प्लेटियर और सिवेंटो।
तो इन दोनों ने क्या किया था, क्विनीन और सिंकोनीन को डिस्कवर किया था। अच्छा, पहले तो क्विनीन एंड सिंकोनीन डिस्कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो उनके आइसोमर्स हैं, सिंकोनीन एंड सिंकोनीडीन एंड क्यूनीडीन, ठीक है, उनको बाद में जो है वो डिस्कवर किया गया था कि दे हैव सेम, ऑलमोस्ट सेम थेरापेटिक एक्टिविटी। या फिर हम क्या करें कि उनके अगर स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाए तो उनके ये आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो क्यूनीन जो है, इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्वल इन वाटर। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्यूनीन की, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सॉल्वल इन इथानोल, क्लोरोफॉर्म, मीथर, बेंजीन एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। कि पानी के अंदर उसकी सॉल्वेबिलिटी कम है, लेकिन जो बाकी सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, उसके अंदर इसकी सॉल्वेबिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी है। तो क्यूनीन जो है, इट इज अ डाई एसिडिक बेस, और इसके दो सल्फेट बनते हैं, ठीक है। क्यूनीन, क्यूनोनीन मोनोसल्फेट, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है और वाटर इनसॉल्युबल है। और दूसरा जो इसका इसकी बेस है, दैट इज क्यूनीन बाइसल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, एसिडिक होती है और वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। आगे आगे उसके स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बेस पे क्यूनीन के दो आइसोमर हैं, डीबो आइसोमर एंड जिसको हम क्यूनीन कहते हैं, ठीक है, और उसका डेक्स्ट्रो आइसोमर जिसको हम क्यूनिडीन कहते हैं, ठीक है। अमंग अदर्स अदर प्रोडक्ट्स व्हेन वार्म्ड विद KOH इन एमाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब उसको एमाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्यूनीन के दो आइसोमर हमारे पास बनते हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर एंड डीबो आइसोमर। तो क्यूनीन जो है, इट्स सरफेस लिवोड्यूटेटरी, ठीक है, और क्यूनोडीन जो है, दैट इज डेक्सट्रोडिलेटरी। वो ऊपर भी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये आपने इनकी स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में, यानी दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सिर्फ ये फर्क होता है, बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, कि या तो टुवर्ड्स द प्लेन होंगे या फिर आउट ऑफ द प्लेन कुछ ग्रुप्स होंगे। तो क्यूनीन जो है, इट इज नेचुरल कंपाउंड, ठीक है, कि सिंकोना बार्क से लिया जाता है, तो नेचुरल ओरिजिन हुआ इसका। और जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, तो इसकी हाइड्रोक्सीडेशन होती है एट पोजीशन 2 एंड 8 ऑफ क्यूनोलिन रिंग, एंड दीज टू पोजीशन आर ब्लॉक्ड बाय हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ये आगे हम उसकी केमिस्ट्री में देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि इसको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो है प्लांट सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन जो इसकी ज्यादा बेसिक जो इसका सोर्स है, दैट इज प्लांट ओरिजिन, लेकिन इसको जो है वो हम लैब में भी कर सकते हैं प्रिपेयर, ठीक है, सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है कि हम किस तरह से बार्क को ट्रीट करते हैं और उसमें से किस तरह से जो है वो सिंकोना निकलता है, ठीक है। तो इजी प्रोसीजर है ये, आप देख लीजिएगा इसको। आगे है बेसिक जो उसका, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ सिंकोना अल्कलाइड्स, ठीक है। तो सिंकोना अल्कलाइड्स जो है, उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या हम उसके बेस पे हम उसको कह सकते हैं कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ रुबेन, ठीक है। तो अब रुबेन क्या है, रुबेन के अंदर दो रिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक क्यूनोलिन रिंग है और दूसरा जो है क्यूनोक्लीडीन न्यूक्लियस है, ठीक है। क्यूनोलिन न्यूक्लियस कह लें या क्यूनोलिन रिंग कह लें, ठीक है, तो एक ही बात है। तो इसमें क्या है, रुबेन जो सिंकोना अल्कलाइड्स हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ रुबेन, ठीक है। और रुबेन जो है, दैट इज मेड अप ऑफ टू रिंग्स या टू न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, क्यूनोलिन न्यूक्लियस एंड क्यूनोक्लीडीन न्यूक्लियस। तो ये इसकी बैकबोन है सिंकोना अल्कलाइड्स की, ठीक है। आप देखेंगे अभी कि आगे क्यूनीन का स्ट्रक्चर देखें, क्यूनिडीन का देखें, सिंकोनीन का देखें या सिंकोनीडीन का देखें, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उनकी जो बेस है, दैट इज रुबेन, वो सेम है। उसके ऊपर फिर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, या मिरर इमेजेस है, अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो वो मिरर इमेजेस हो गए, सिर्फ इतना सा फर्क होता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑफ रुबेन, ठीक है। तो रुबेन जो है, इसकी इटसेल्फ जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका रूबेन का, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको नजर आ रहा है कि जो, अगर मैं इसको लेबल करूं, तो दिस लिंक 1 जो है, दैट इज क्यूनोक्लीडीन रिंग, ठीक है,
और जो रिंग बी है, रिंग टू अगर इसको मार्क किया जाए, ठीक है, जिसमें दो रिंग्स फ्यूज हैं आपस में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूनोलीन रिंग, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है रूडेन का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है इन सब एंटीमटेरियल सिंकोना अल्कलाइड्स का, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो रिंग्स हैं, क्यूनोलीन रिंग है एंड क्यूनोक्लेडीन रिंग है, ठीक है। आगे हम फर्दर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में किस किस तरह से ग्रुप्स आके अटैच होते हैं, कैसे उसके अंदर चेंजिंग आती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि अगर आप पीछे यहाँ पे आए, ठीक, ये जो पोजीशन है आपकी, ये वाली जो पोजीशन है ये, ठीक है, अगर इस पोजीशन के ऊपर हम क्या करें, ओ एच ग्रुप लगा दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो अगर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है रुबेन का, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ओ एच ग्रुप लगा दें, तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं रुबानोल, ठीक है। तो आपको पता भी है कि ओ एच जो है वो क्या है, अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज रखता है और उनके एंडिंग पे, नाम की एंडिंग पे ओल आता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ओ एच ग्रुप चूंकि अटैच हुआ है तो उस और पोजिशन 9 के ऊपर आके अटैच हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, 9 रुबानोल, ठीक है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर उसका सेम रहा है, सिर्फ हमने क्या किया है कि पोजीशन, उसकी पोजीशन 9 के ऊपर ओ एच ग्रुप लगा दिया है, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, रुबानोल। ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो पोजीशन 9 के ऊपर हमारे पास क्या है, ओ एच ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है, तो इस वजह से वो स्ट्रक्चर क्या बन गया, रुबानोल या फिर रुबेन। बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है रुबेन का, ठीक है। फर्क कहाँ पे आया है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन 9 पे, जहां पे हमने ओ एच ग्रुप को अटैच कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। तो क्लियर है, रुबेन था पहले हमारे पास, उस पे हमने ओ एच ग्रुप लगाया तो वो रुबानोल बन गया, और रुबेन क्या था कि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी एंटी मलेरियन, लेकिन जो है रुबानोल सिर्फ ओ एच ग्रुप अटैच करने से एट पोजीशन 9, तो रुबानोल जो है इट हैज एंटी मलेरियन एक्टिविटी, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हमने कर ली है अब तक किसकी केमिस्ट्री में, ठीक है, रुबेन एंड रुबानोल, और उनकी हमने एक्टिविटी भी डिस्कस कर ली है। अब हम क्या करें कि अब हम उसमें दो ग्रुप्स को ऐड करें, एक तो मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप आपको पता है OCH3 ग्रुप, ठीक है, या फिर विनाइल ग्रुप, ठीक है। विनाइल ग्रुप क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी स्ट्रक्चर उसका आप इसे ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या मतलब है कि हम मिथॉक्सी ग्रुप या विनाइल ग्रुप को अगर ऐड करते हैं रुबानोल के अंदर, ठीक है, तो उससे हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूनीन, विच इज बेसिक जो है वो ड्रग है ऑफ सिंकोना अल्कलाइड्स विद मैक्सिमम एंटी मलेरियल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये देखें इसका स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या किया, रुबानोल में कौन कौन सी चेंजिंग की है हमने, कि हमने उसके ऊपर यहाँ पे ये जो हमारी पोजीशन है इसके ऊपर हमने क्या किया, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो क्विनोक्लिडीन रिंग थी उसके ऊपर हमने विनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स लगाने से रुबानोल के अंदर बाकी स्ट्रक्चर, अगर आप देखा है, अगर आप देखें कि हम इन दोनों ग्रुप्स को निकाल दें तो बाकी तो हमारे पास रुबानोल का स्ट्रक्चर बचा ना, तो अगर हम इन रुबानोल के अंदर ये दो ग्रुप्स ऐड कर दें, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप, ठीक है, ये हमारा क्या है, विनाइल ग्रुप, तो इसमें हमारे पास फिर क्या आ जाता है कि वो क्या बन जाता है, क्यूनीन, ठीक है।
तो क्विनीन जो है दैट इज आवर ड्रग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विद मैक्सिमम एंटी मलेरियल एक्टिविटी। अब आप फॉलो कर रहे हैं कि पहले क्या था हमारे पास, रूबेन था, ठीक है, रूबेन बेसिक स्ट्रक्चर था और उसकी एक्टिविटी नहीं थी एंटी मलेरियल। हमने क्या किया, रूबेन में पोजीशन 9 के ऊपर OH ग्रुप लगाया, ठीक है, तो हमारे पास रूबानोल बना जिसकी थोड़ी सी एक्टिविटी थी एंटी मलेरिया। अब हमने क्या किया, उसी रूबानोल के अंदर तीन दो ग्रुप्स और ऐड कर दिए, मेथॉक्सी ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप। अब उनसे उनको ऐड करने से हमारे पास हमारी ड्रग ऑफ इंटरेस्ट आ गई विच इज क्विनीन, ठीक है, विद मैक्सिमम एंटी मलेरियल एक्टिविटी, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़े मजे के स्ट्रक्चर्स हैं कि आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स में थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग करते जाओ और आपके पास जो है वो ये ड्रग्स आपकी बनती जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आगे आगे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, क्यूनीन की। और स्ट्रक्चर आप देखें कि सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, अगर आप पीछे यहाँ पे आए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास OH ग्रुप जो था दैट इज इन फ्रंट, और अगर आप देखें क्यूनिडीन का तो इसमें OH ग्रुप इज एट बैक, जिसको डॉटेड लाइन से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये आप देखें कि यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप को हमने फुल जो कंप्लीट लाइन है उससे इंडिकेट किया हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि इट इज इन द फ्रंट, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम अगर देखें क्यूनिडीन का विच इज स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्विनीन, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये देखें हमने क्या किया हुआ है, उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, और डॉटेड लाइन का मतलब है कि ओ एच ग्रुप इज इन द बैक, तो क्या मतलब है कि बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ग्रुप सेम है, सिर्फ उनकी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजिशन इस तरह से डिफरेंट होती है कि वो देखने में तो सेम लगते हैं लेकिन अगर हम उनका मिरर इमेज देखें, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और यही मतलब है कि इसमें क्या है, दिस इज तो बैक ऑफ द प्लेन ओ एच ग्रुप क्यूनिडीन में, और क्यूनीन में क्या है, इट इज इन द फ्रंट, ठीक है। तो ये सिर्फ फर्क है इनके स्ट्रक्चर में, बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और उसमें ग्रुप्स भी सेम होते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, यहाँ पे आप जहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है उसको आप देख उसको कर लीजिएगा क्लियर, यहाँ पे OCH3 ग्रुप आपने लगाने हैं, ठीक है, वो इधर मिसिंग है। क्योंकि स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, यहाँ पे वो बाय चांस मिसिंग है, तो आप इस चीज को मार्क कर लें, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लीज आप इसको अभी मार्क कर लें ताकि आपको बाद में भूले ना, यहाँ पे स्लाइड में मिथॉक्सी ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन जो कि ये क्यूनीन का जो है वो स्टीरियो आइसोमर है क्यूनीडीन, ठीक है, स्ट्रक्चर इनका बाकी सारा का सारा सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ OH की जो है वो उसकी पोजीशन का फर्क है कि इसमें क्या है वो क्यूनीन के केस में वो क्या है, इन द फ्रंट है OH ग्रुप जिसको हम कंप्लीट लाइन से इंडिकेट करते हैं, और इसके केस में तो बैक ऑफ द प्लेन है जिसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो क्यूनीन और क्यूनिडीन दोनों में इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लें और जब आप उसको करेंगे तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्यूनीन, ट्रूबेन, रूबानोल, ठीक है, क्यूनीन एंड क्यूनिडीन, चार हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर दें फ्रॉम क्यूनीन, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम सिंपोनी डीन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपोनी डीन, यानी क्यूनीन के ऊपर से अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप रिमूव कर दें तो हमारे पास बाकी जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या होगा, सिंकोनी डीन, और सिंकोनी सिंकोनीन जो है दैट इज स्टीरियो आइसोमर ऑफ सिंकोनी डीन, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप फ्रॉम क्यूनिडीन। तो क्या मतलब हुआ कि क्यूनीन और सिंकोनीडीन का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, कि स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उनका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है कि क्यूनीन में से अगर आप मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो सिंकोनीडीन बन जाएगा, ठीक है,
लेकिन अगर आप क्या करें कि क्यूनिडीन में से मिथॉक्सी ग्रुप रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो सिंकोनीन बन जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उनके सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है उसमें से मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव करना है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर देखें सिंकोनीडीन का, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लाइक दैट ऑफ क्यूनीन। फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ये इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर उसका सेम है एज दैट ऑफ क्यूनीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है सिंकोनीन का, ठीक है, सिंकोनीन का भी सेम स्ट्रक्चर है लाइक दैट ऑफ क्यूनिडीन। फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप नहीं है, बाकी उसका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, और इसमें भी आपने थोड़ा सा ऐड करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, ये जो है बाय मिस्टेक इस तरह से बन गया है। तो आप प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लें, यहाँ पे भी ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है इसके ऊपर भी। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रक्चर में अभी ऐड कर लें क्योंकि स्लाइड में ये मिसिंग है। ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर उसका सेम है। तो ये तो हो गया इसके क्यूनीन क्यूनिडीन, ठीक है, सिंकोनीन एंड सिंकोनीडीन, ये सब हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि अच्छा, चलिए ठीक है, आपका ना मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला, ठीक है, तो बाकी इसका ऐसे आर जो आप स्ट्रक्चर इसके करें, ठीक है, ऐसे आर जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि ऐसे आर काफी लेंथी है, तो जो है वो 8 मिनट्स